शर्मा जी के बेटी को देखो कि हमसे बेटर कोई नहीं है इस दुनिया में, लाइक दे आर द शर्मा शर्मा है बोल मनीष अरोड़ा हियर, और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारा मैडनेस विद मनीष चैनल की सीरीज में। तो गाइस आज हम दिल्ली के लोगों से बात करेंगे अबाउट यार शर्मा जी के बारे में कि दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं अबाउट शर्मा जी के बारे में। तो यार आज हम लोगों से बात करते हैं अबाउट देश। ये बताओ जब आप ये वर्ड सुनते हो शर्मा जी तो दिमाग में क्या आता है? दाट पड़ोसी जिससे पापा आपको छेड़ते हैं कि शर्मा जी के बेटी को देखो, शर्मा जी की बेटी, यार शर्मा जी के बेटे के जैसे पढ़ो। एग्जैक्टली शर्मा जी का लड़का, सेम द आइडियल सन, शर्मा जी के लड़के को देखो, पैक्स वाले अंकल। और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका बेटा लाइफ में अच्छा करे, सब उनका रेफरेंस यूज करते हैं देने के लिए कि शर्मा जी के बड़ा नाम करेगा। हाँ शर्मा पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा शर्मा, बेटा मेरा ऐसा काम करेगा। हाँ जी बहुत ज्यादा काम करेगा बेटे। शर्मा जी की मूंछें होती हैं टिपिकल प्योर प्योर ब्लैक कलर की और चश्मे पहने होते हैं उन्होंने। चलो शर्मा जी इज़ आर द वंस दैट ईट लॉट, मे बी जहाँ भी खाना देखते हैं बस शर्मा वाले शुरू हो जाते हैं जब तक उनकी पूड़ियाँ और वो सब सामने नहीं आती। इन्हें तो अपना खानदान याद आता है। एग्जैक्टली अब यू आइडेंटिफाई ये पर्सन, सामने वाला बंदा या बंदी शर्मा जी है, शर्मा है भाई शर्मा। कैसे आई गेस यू नो द गीकी वन, I'll say a geeky one is a Sharma ji ka ladka. Who looks very put together. Who looks very, you know, ki he has his life shit together. Just because she's my bro, jo banda bahut dildar ho, wo Sharma hai. Cool. Cool people. Totally. And thode se nerd bhi hote hain. Achha, theek hai. Haan, Punjabi to bade wo hote hain, paise phekne wale. शर्मा जी बड़े टिपिकल होते हैं, एकदम शर्ट पैंट वाले, फुल स्लीव्स, बड़े प्यारे होते हैं, सिंपल से एकदम, मतलब देख के कर सकते हैं आइडेंटिफाई इजीली। उनके बच्चे बड़े वो होते हैं एकदम परफेक्ट। शर्मा जी की स्पेशल बात क्या लगती है आपको? द बेस्ट पीपल एवर। व्हाट द बेस्ट पीपल एवर? अच्छा किस किस चीज से लगता है आपको वही बेस्ट होते हैं किस? आई थिंक बिकॉज़ दे मिंगल अप विद पीपल प्रीटी इजीली और वो काफी फ्रेंडली होते हैं आई गेस। अरुण नो नॉर्थ टू साउथ, कहीं पे भी चले जाओ शर्मा तो जरूर मिलेंगे। नहीं मेरी तो इधर नॉर्थ में रहती थी। यूनिवर्सल है यार, यूनिवर्सल शर्मा है सारे। शर्मा जी क्या बात है, द काइंड ऑफ सुपीरियोरिटी दे एग्ज्यूड कि हमसे बेटर कोई नहीं है इस दुनिया में, लाइक दे आर द शर्मा शर्मा है बोल उनको अपने बच्चों को करने के लिए कुछ बोलना नहीं पड़ता, वो नेचुरली अच्छे होते हैं उनके बच्चे। वंशिका बहुत प्यारी हो, वंशिका तुम्हारा ही होते हैं कि हाँ दे आर वेरी कूल, दे डोंट टेक लॉट ऑफ प्रेशर एंड उन लोगों का ये है कि हाँ चलता है टाइप ऑफ एटीट्यूड। बहुत प्यारे होते हैं यादव भाई लड़की को छोड़ दिया। अबे इसको तो अनमोल के बिस्किट खिलाने चाहिए थे। ठीक है अनमोल को, अनमोल के बिस्किट। हाँ यार अनमोल बहुत ज्यादा चल रही है, पढ़ में चलते हैं। हाँ और चश्मा लगाते हैं बड़ा। हाँ चश्मा वश्मा लगाते हैं। ये जो खड़ा ऐसे खड़े होते हैं यादव जी। तो भाई इस पे भी 50,000 व्यूज कर दो और 50,000 हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर कर दो भाई, इसका भी एक नया पार्ट निकालेंगे जो आप कहोगे भाई आपकी डिमांड पे। हाय गाइस आई एम मनीष अरोड़ा हियर, और सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारा मैडनेस विद मनीष चैनल की सीरीज में। तो गाइस आज हम दिल्ली के लोगों से बात करेंगे अबाउट यार यादव जी के बारे में, दिल्ली की लड़कियां क्या सोचती है अबाउट यादव जी के बारे में। लेट्स गो। जब आप ये वर्ड सुनते हो यादव तो दिमाग में क्या आता है? कि बहुत इज्जतदार लोग हैं, ठीक है फ्रेंडली होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं और हेल्पफुल होते हैं काफ़ी। यादव ऑलवेज फेवर्स यादव, कोई बुराई भी नहीं सुन सकता है। गिवन दैट इलेक्शन सीजन आ रहा है, आई नो दैट हर एक पार्टी हर एक कास्ट को बहुत ज़्यादा वो कर रही है एंड या अच्छे होते हैं। वैसे भी एक ही फ्रेंड रही है यादव आज तक, बट अच्छी थी। नहीं हूँ बट हाँ मतलब काफ़ी नेचर वाइज और सब चीज़ों से। हाँ हाँ भाई बढ़िया लगते हैं, लड़की ने बोल दिया साहब। मैंने आपको पहले भी बोला कि मेरे को कोई ऐसा यादव मिला है नहीं। धमकी तो मत दो। हमें चलते हैं। और चश्मा लगाते हैं बड़ा। हाँ चश्मा वश्मा लगाते हैं। ये जो खड़ा ऐसे खड़े होते हैं यादव जी हैं। खेलने के तरीके से हाँ ठीक है, और उनकी हेल्थ हाइट, वो हाइट से ही और हेल्थ से ही लगते हैं हाँ काफी अच्छी होती है, हेल्दी होते हैं। बाय द एक्सेंट आल्सो, व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज देयर एक्सेंट, एक्सेंट से पता लगता है या एक्चुअली मतलब अगर आप उनसे बात करें, आई थिंक जब आप ऐसे किसी को क्रॉस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली नहीं पता
पता चलता कि वो यादव है या नहीं. बट या वेन यू टॉक टू देम एंड यू देन यू गेट टू नो कि हाँ ये बंदा थोड़ा किस एक्सेंट से बोल रहा है या क्या इसके कल्चर है, क्या इसके ट्रेडिशन है, देन यू गेट टू नो कि वो पर्सन यादव है. हाइट वगैरह से तो नहीं बट हाँ हेल्थ काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि जो मेरी फ्रेंड थी वो भी काफ़ी. आखिरी क्वेश्चन, यादव की स्पेशल बात क्या लगती है आपको, इनकी स्पेशल क्वालिटी भी तो होती है हर कम्युनिटी की, तो यादव जी की क्या स्पेशल बातें होती हैं? यादव जी या बिहार के जो लोग होते हैं उनकी ये स्पेशल यूपी में भी तो होते हैं हर जगह है भाई, बट यादव जी होते हैं कि हाँ दे आर वेरी कूल, दे डोंट टेक लॉट ऑफ प्रेशर एंड उन लोगों का ये है कि हाँ चलता है टाइप ऑफ एटीट्यूड. बहुत प्यारे होते हैं यादव भाई. हाँ चाय पीने के बहुत अच्छे, मतलब चाय पीना उन्हें बहुत पसंद है, चाय और दूध के बिना रहते नहीं है. दूध दही का खाने वाली बात नहीं. हाँ या दे आर काइंड एंड स्वीट पीपल व्हाट आई फील. Yeah, I've met a few people, but what I have felt that they are kind and sweet. बहुत helpful होते हैं. यादव के बारे में I think पूजा भी ज़्यादा करते हैं, पूजा पाठ वगैरह में believe करते हैं. अच्छा तो सुनान जी की तरफ से thumbs up यादव जी को. हाँ thumbs up यादव जी बोलो. यादव जी thumbs up. थोड़ी करते हैं. एक कपड़े पहना था. इस लड़की को तूने छोड़ दिया. अबे इसको तो अनमोल के बिस्किट खिलाने चाहिए थे. ठीक है. राजपूत तो आपको आपके दिमाग में पहली चीज क्या आती है? मेरे दिमाग में तो पहली चीज यही आती है दैट दे आर वॉरियर्स, दे आर फाइटर्स. सो राजपूत आदि राजपूत फॉर मी फाइटर्स. आई थिंक सो दे आर रियली जेंटलमैनली टाइप. मुझे वो बहुत जेंटलमैन टाइप लगते हैं. रानाज 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 एनकाउंटर वाली बात बताइए.